एक देश में कोरोना की कहर से वातावरण भयभीत हो चुका है तो दूसरी तरफ क्षेत्र में सकारात्मक वातावरण पैदा करने का कार्य महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा जारी है। वाड़ी शहर के दत्तवाड़ी क्षेत्र, लावा, सोबानगर तथा अन्य क्षेत्रों में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा क्लीन द कोरोना वायरस अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वाड़ी शहर द्वारा आत्मखर्च से सामग्री खरीदकर क्षेत्र के हर एक सड़कों पर सैनिटाइज किया जा रहा है। सैनिटाइजर का फव्वारा मारकर कोरोना को भगाने की यह पहल लॉकडाउन काल से ही जारी है। हर अच्छे बुरे समय में वाड़ी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का योगदान प्रशंसा रहता है। इस बार अनोखा नियोजन कर फव्वारा मारने का कार्य हाथ में लिया है। अब तक शहर का शाहू लेआउट, वसंत विहार, माड़ा कॉलोनी, टेकड़ी वाड़ी, विकास नगर, धम्म कीर्ति नगर, मंगलधाम सोसाइटी क्षेत्र में सैनिटाइज का उपयोग किया गया है। वैसे ही पूरे लॉकडाउन के काल में यह सैनिटाइज कर अभियान चलाया जाने वाला है। इस अभियान में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ओमकार तलमले, ऋतिक निम्बाळकर, बाबुल हापकर, प्रतीक मेश्राम, संकेत येलुरे आदि का समावेश है। अभी वाड़ी क्षेत्र में सैनिटाइजेशन की मुहिम हम लोगों ने हाथ में ली है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से। हम जितने भी अभी महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट सेना सेल के हम लोग सब पदाधिकारी हैं और सभी ने मुहिम हाथ में ली है कि एक बढ़ते प्रादुर्भाव के चलते जैसे कि वाड़ी में अभी जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाए या मेडिकल इक्विपमेंट्स की कमी है वो तो अपन फाइनेंशियल की वजह से प्रोवाइड नहीं कर पाते, लेकिन जो अपने से हो पाता है जैसे कि सैनिटाइजेशन है ये अपन कर सकते हैं, जो कम दाम में है और अच्छी तरीके से अपन कर सकते हैं। तो वही मुहिम हम लोगों ने हाथ में लिए कि पूरा वाड़ी क्षेत्र है जैसे पड़ोस का सोनबा नगर, लावा, खड़गांव ये क्षेत्र भी आता है, तो ये भी हाथ में लिया है कि ये अपने आजू बाजू के पड़ोसी एरिया आते हैं क्योंकि यहाँ पर भी अगर संसर्ग बढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं से वाड़ी में भी आ सकता है, इसीलिए हम इस एरिया में भी सैनिटाइजेशन करें। और इसके पीछे उद्देश्य इतना ही है कि अपने तरफ से एक कोशिश हो कि जो भी कोरोना वायरस का बढ़ता प्रादुर्भाव है वो कम हो। BCN न्यूज़ के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।